हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल छाया मिश्रा में। देखिए गाइस, हमने ये एक कटोरी आटा ले लिया जिसको हम साफ कर लेंगे, मतलब सॉरी मैदा ले लिया है एक कटोरी। देखिए गाइस, मैदे की चीज है और नमकीन है, तो हम इसमें 4 से 5 चुटकी अजवाइन डालेंगे मसल के, जिससे कि खुशबू बहुत अच्छी सी आए। और अब इसमें हम डालेंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, ये देखिए टेस्ट के हिसाब से। और आप इसमें डालेंगे रिफाइंड ऑयल। देखिए गाइस, हमने रिफाइंड ऑयल नहीं, हमने घी लिया हुआ है, ये देखिए। तो ये हमारा देखिए 4 चम्मच डालेंगे हम देसी घी, 4 से ज्यादा भी अभी देखते हैं। हमने कई बार मोयन लगाने का तरीका भी बताया है आपको ऐसे मसलते हुए, तो उसी तरह से मिला लेंगे। देखिए उतना मोयन ठीक नहीं था, इसलिए 2 स्पून और मोयन घी डाला है। तो देखिए अब हमारा मोयन अच्छे से परफेक्ट हो गया है, ठीक है। तो इसको अच्छे से मसल मसल के मिलाना है और फिर इसको हम गूथ लेंगे अच्छे से, ठीक है। ये देखिए इस तरह से, इसमें ज्यादा कुछ नहीं डालेंगे, बस अजवाइन और नमक। ये देखिए हो चुका है। तो अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए हम मिलाएंगे। देखिए ठंडक हो तो गुनगुना पानी ले लें, और गर्मी हो तो आप नॉर्मल पानी ले लें, ठीक है। तो इस तरह से सख्त डो लगाना है इसका, ये खस्ते वाली कोई भी चीज हम बनाते हैं ना, तो उसका सख्त डो लगाना होता है। और ये हमारी जो मटर बॉल्स हैं, तो उनके लिए तो सख्त बॉल सख्त आटा चाहिए। ये देखिए मुश्किल से 4 से 5 स्पून पानी लगा हुआ है हमारा, ठीक है। ये देखिए इस तरह से मसल लेंगे। ये देखिए डो लग गया है, और इसको हम एक थाली से ढक देंगे। ये देखिए इस तरह से थाली से ढक देंगे। एक चीज का हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप घी का मोयन लगाते हैं तो उसको अच्छे से ढकना है, ठीक। और आप मोयन किसी का भी लगा सकते हैं, चाहे वो घी का लगाए, चाहे रिफाइंड ऑयल का लगाए, चाहे वनस्पति घी का लगाए, ठीक है। तो चलिए जब तक ये हमारा 15 मिनट सेट होता है, तब तक हम मटर पीसते हैं और स्टफिंग तैयार करते हैं। इस समय मटर खूब अच्छे से आ रही है, हरी वाली मटर। तो ये 1 कप मटर है, ठीक है, 1 कटोरी। तो इसको हम ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड करेंगे, ये देखिए। तो इसको हम पीस लेते हैं, फिर मिलते हैं। ये देखिए गाइस, हमारी मटर ग्राइंड हो चुकी है, बिना पानी डाले इसको ग्राइंड करना है। तो चलिए आगे के प्रोसेस में। ये देखिए गाइस, हमने 2 से 3 वो ले लिया स्पून ऑयल, ठीक है। तो इसको पूरी कढ़ाई में कर दिया है, और अभी हमारा ऑयल हो जाता है, फिर हम इसमें डालेंगे, ये देखिए सौंफ, 2 से 4 चुटकी सौंफ और 2 से 4 चुटकी जीरा एक साथ ही डालेंगे, क्योंकि इनको भूनना है इसमें, ठीक है। ये देखिए हमारा ऑयल हो चुका है, तो ये दोनों चीजें हम ऐड कर देंगे इसमें और भून लेंगे अच्छे से। एक चीज और गाइस, अगर आप तीखा ज्यादा पसंद करते हैं तो जो मटर पीसी थी आप उसमें हरी मिर्च भी पीस सकते हैं, बट हमने नहीं पीसी है। ये देखिए गाइस भून चुका है, तो अपना ये हम ग्रेट किया हुआ अदरक ऐड करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। और ज्यादा कुछ नहीं ऐड करेंगे, देखिए मसाले बहुत थोड़े से डालेंगे और कुछ भी ज्यादा नहीं ऐड करेंगे, ठीक है। तो आप डालते हैं अपनी मटर जो ग्राइंड करके हमने रखी थी, ये वाली, तो इसे छुटाते हुए डाल देंगे इसमें। ये देखिए ये देखिए आपको चलाते हुए अच्छे से भूनेंगे, ठीक है, धीमी फ्लेम पर। और आप इसमें हम और भी इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे जो हमें डालने हैं, तो फ्लेम को धीमा कर देते हैं। और अब हम डालते हैं सॉल्ट, देखिए स्वाद के अनुसार नमक ऐड करना है इसमें, बट ये ध्यान रहे कि हमारा आटे में भी हमने नमक ऐड किया हुआ है, तो उसी हिसाब से हमें नमक डालना है। अब इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, ठीक है। आप ज्यादा तीखा पसंद करते हो तो हरी मिर्च हरा मिर्च भी इसमें पीस सकते हैं, तो हम भी तो थोड़ा सा डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि बच्चे खा नहीं पाएंगे, ज्यादा तीखा कर देंगे। और डालेंगे धनिया पाउडर बस, और कोई इंग्रेडिएंट नहीं डालेंगे। लास्ट में डालेंगे गरम मसाला, ये देखिए। अब इसको हम भून लेंगे अच्छे से, ठीक है, सूखा कर लेंगे बिल्कुल, तो अच्छे से भून ही लेंगे, ठीक है। 2 से 3 मिनट लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा भूनने में। देखिएगा ये हमारी मटर दाल भून चुकी है अच्छे से, ठीक है। जो मटर है जो पेस्ट बनाया था वो भून चुका है अच्छे से। तो चलिए आप अपना देखते हैं आगे का काम, ठीक है। तो चलते हैं, फ्लेम बंद कर दिया, अब इसको ठंडा करते हैं।
ये देखिए हमने बंद कर दिया है और अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, बिल्कुल चुटकी भर डालेंगे। ये देखिए इसमें हम ज्यादा मसालों की जरूरत नहीं होती है, अगर आप गरम मसाला नहीं भी डालेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और ये डालेंगे हम अपना चाट मसाला थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए, जो बच्चों को अच्छा लगे, हाफ टेबल स्पून। अब इसको हम मिक्स कर देंगे, ठीक है। अगर ये चाट मसाला वगैरह चलती हुई गैस पर डालते तो ये जलने लगता, इसीलिए हमने बंद करके डाला हुआ है। ये देखिए हमारा मिश्रण बिल्कुल तैयार है, इस तरह का है, देख लीजिए आप लोग, ठीक है। और आपको लास्ट में कुछ ट्रिक भी देंगे जिससे कि आपकी जो ये मिनी बॉस कचौड़ियां हैं वो महीनों तक सही रहेंगी बिल्कुल, ठीक है। देखिए गैस हमारा आटा हो चुका है, तो इसको हम आराम से दो भागों में कर लेंगे, ठीक है। तो इसकी बॉस बनाएंगे, ठीक है, ऐसे करके छोटी छोटी, जितनी बड़े बॉल्स बनाने हैं हमको उतनी बड़ी लोई कट करनी है। ये देखिए इस तरह साइज की, ये देखिए, तो सारी हम बॉल्स बना लेते हैं। ये देखिए सारी बॉल्स बन गई हैं, तो अब इन बॉल्स को हम गोल करेंगे ऐसे, ठीक है। ये देखिए गोल कर लिया, अब इसको हम ऐसे फैलाएंगे। देखिए इनको हम भरी हुई मठरी भी बोल सकते हैं, बॉल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, और इनको मिनी कचौड़ियां भी बोल सकते हैं। तो देखिए हम क्या बनाते हैं, इस तरह से हम फैला लेंगे, अच्छे से बड़ी कर लेंगे थोड़ी सी, ठीक है। ये देखिए इस तरह से बड़ी कर ली है हमने, ठीक है। अब इसमें अपना बैटर रखेंगे, जितना बैटर हमारे इसमें आ जाए बस उतना ही हमको रखना है, बिल्कुल थोड़ा सा, ठीक है, बहुत नहीं रखना है। ये देखिए इस तरह से, फटनी नहीं चाहिए वरना तेल सोख कर लेंगी, ठीक है। तो इसी तरह से अच्छे से फिल करना है, ठीक है, इस तरह से। ये देखिए ये हमारी बन गई, ये देखिए अच्छे से फिल कर दिया है। तो इसको अब हम ऐसे ऐसे गोल कर लेंगे, बिल्कुल बॉल की तरह बना लेंगे। ये देखिए हमारी बन गई मटर कचौड़ी बॉल, बनके रेडी है। इस तरह से सारे बना लेंगे इसको, रख। ये देखिए ऐसे एक और दिखाई देते हैं, ऐसे अपनी बॉल ऐसे बढ़ाएंगे इसको, ठीक है, इस तरह से बढ़ा लेंगे। और अब इसमें हम जितना हमारा बैटर आ जाए, हमने एक स्पून लिया है, आपके में अगर एक स्पून से ज्यादा आ जाए तो ज्यादा ले लीजिए, कम आ जाए तो कम ले लीजिए, ठीक है। तो इसको हम ऐसे रख के इस तरह से करते हैं, ऐसे दबाएंगे अच्छे से। ये देखिए इस तरह से अच्छे से रैप कर देंगे, बिल्कुल खुले ना, ठीक है। उसके बाद में ऐसे अच्छे से गोल करेंगे बस। ये देखिए कितनी बढ़िया चिकनी चिकनी बॉल्स बनके रेडी हो चुकी है, तो इसको बनाते हैं, सारी बना लेते हैं, फिर मिलते हैं। ये देखिए गाइस हमारी मटर कचौड़ी बॉल्स बनकर बिल्कुल रेडी हैं, ठीक है। तो इनको ढक के रखेंगे जिससे इनके ऊपर पपड़ी ना पड़े, और चलिए सेकते हैं। ये देखिए गाइस हमने अपना मस्टर्ड, आज हम रिफाइंड ऑयल में नहीं मस्टर्ड ऑयल में बनाएंगे, तो ये आपको गंदा गंदा सब दिख रहा होगा, ऑयल गंदा नहीं है, ये अभी लास्ट में बताएंगे हम ये क्या है, ठीक है। तो आप देखते रहिएगा हमारी पूरी वीडियो। तो ये देखिए ये आटे का थोड़ा सा हम टुकड़ा डालेंगे इसमें, और देखेंगे डालते ही ये ऊपर ना आए, देखिए इसमें बबल्स बनने लगे हैं, ऊपर डालते ही ये ऊपर नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि हमारा ऑयल सही है, परफेक्ट है बिल्कुल। तो इसी में हम अब ऐड करेंगे, ठीक है, बॉल्स अपने। ये देखिए अब एक एक करके हम अपने इसमें बॉल डालेंगे, ठीक है, और धीमे धीमे पकाएंगे। देखिए हमने इसमें मस्टर्ड ऑयल डाला था, तो एक बार मस्टर्ड ऑयल खूब अच्छे से हो गया, एक बार मस्टर्ड ऑयल खूब अच्छे से हो गया है, तो उसके बाद गैस हमने बंद कर दी है, ठीक है। और उसके बाद में हमने इसमें नमक डाला, तो वो ब्लैक ब्लैक जो दिख रहा था वो आपको नमक दिख रहा था, क्योंकि सरसों के ऑयल में अगर हम नमक हमें उबाल आ जाए सरसों तेल में, ठीक है, ऑयल में, उसमें बाद नमक डाल दीजिए एक स्पून, तो आपका ऑयल बिल्कुल साफ हो जाएगा, उससे जो चीजें बनेंगी वो येलो नहीं दिखेंगी, ठीक है, व्हाइट ही, जैसे रिफाइंड में हमने बनाया है उसी तरह से बन के आएंगी। तो ये ट्रिक है हमारी, ठीक है। तो आप जब भी सरसों के ऑयल में कोई चीज बनाएं और चाहें कि आपकी पूड़ी या कचौड़ी पीली ना बने, तो उसमें एक स्पून आप नमक डाल दीजिए और वो ऑयल जो है वो साफ हो जाएगा, जिससे कि हमारी कोई भी चीज पीली नहीं बनेगी। देखिए एक मिनट हो चुका है, अब इनको हम धीरे से टर्न करेंगे,
ये देखिए इस तरह से धीरे धीरे इनको टर्न करके पकाएंगे अच्छे से। ठीक है, ज्यादा ध्यान रखिएगा, ज्यादा कस के ना लगे, इसी तरह से धीमी धीमी फ्लेम पर पकाएंगे। एक बार में जितने हमारे कढ़ाई में बॉल्स आ जाएं, बस उतने ही बॉल्स हमें डालने हैं। ठीक है, और इसकी फ्लेम बिल्कुल धीमी रखेंगे। ये देखिए गाइस, बन चुके हैं हमारे बॉल्स। ठीक है, मटर कचौड़ी बॉल्स, और इनको ऐसे निकाल लेंगे और इनका एक्सेस ऑयल हटा देंगे और इस तरह से प्लेट में रख लेंगे। ठीक है, ये देखिए ऐसे इधर रखते हैं और दूसरे बॉल्स इसमें ऐड करते हैं दूसरे बैच के। ठीक है, एक बैच के बॉल्स सिकने में लगभग लगभग 10 से 12 मिनट लगता है। ठीक है, तभी ये क्रिस्पी बन पाएंगे। अगर आप पहले से ही ऐसे कर दोगे तो वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे। ठीक है, तो सेकंड बैच भी हम ये सेक लेते हैं और फिर मिलते हैं आके। गाइस, हमारी मटर कचौड़ी बॉल्स बन के रेडी है। तो लास्ट में जैसा कि हमेशा टिप देते हैं, आज भी देंगे, नंबर एक कि इसका मोयन बहुत अच्छे से लगा होना चाहिए और फ्लेम धीमी फ्लेम पर हमें सेकना है। ठीक है, और इसके जो कवर्स हैं वो अच्छे से लॉक होने चाहिए, जो स्टिपिंग भरे। और देखिए, इसको एक महीने तक, 15 से 1 महीने तक आप इसको आराम से खा सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं इसको। ठीक है, 15 से 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन स्टफिंग इसकी बिल्कुल सूखी होनी चाहिए, ड्राई होनी चाहिए, मटर में बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, और मटर आप फ्रोजन मटर भी ले सकते हैं और सूखी मटर जो बिल्कुल आती है ड्राई वाली वो भी ले सकते हैं। आप बच्चों को देते हैं तो मीठी चटनी और जैम के साथ सर्व करिए, और बड़े लोगों को देते हैं जो जिनको तीखा पसंद है वो चिल्ली सॉस के साथ या फिर किसी के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं, म्यूनिस के साथ सर्व कर सकते हैं। म्यूनिस का लिंक हम दे देंगे, हमने अपनी रेसिपी में बनाया। और देखिए, ये देखिए, इसको कट करके दिखाते हैं। ये देखिए कितना प्यारा बॉल्स है, बहुत यम्मी और बहुत टेस्टी और बहुत क्रिस्पी। तो आज की हमारी ये रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए, और अगर पसंद नहीं आती है तो कोई बात नहीं है, फिर भी सब्सक्राइब करिए। ठीक है, थैंक यू गाइस, और अब हम अगली फिर भी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू, बाय बाय।